देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हमें दिया गया है तो हाउ टू ऐड देम। पहले तो देखेंगे कि जब हम एडिशन करने जाएंगे दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट ये फॉलो करते हैं, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट को मानते हैं। पहला है कि आप एक दो क्वांटिटी को जब जोड़ोगे दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। They must be of same unit. You cannot add 5 kg with 10 meter. 5 kg with 10 meter you cannot add. So they must be of same unit. दूसरा constraint हुआ, a vector cannot be added to a scalar. A vector is to be added to a vector. A scalar can be added to a scalar. समझ में आया? Same unit होना काफी नहीं है। अगर एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर होना जरूरी है, एक स्कालर है तो दूसरा स्कालर होना जरूरी है। जैसे यू कैन नॉट ऐड स्पीड विद वेलोसिटी, बोथ आर हैविंग सेम यूनिट बट यू कैन नॉट ऐड देम बिकॉज वन इज वेक्टर अदर इज स्कालर। तो जब वेक्टर को हम जोड़ेंगे किसके साथ जोड़ेंगे, दूसरे एक वेक्टर के साथ जोड़ेंगे जिसका यूनिट पहला वेक्टर के बराबर है। इतना बेसिक जानकारी हम लोगों के पास है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले हमको वेक्टर जोड़ना आता है क्या। लेट अस थिंक, अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, से आई कॉल ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड अनदर फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, देयर आर टू फोर्सेस अप्लाइड। क्या बता सकते हो आप इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है वो भी तो एक वेक्टर है क्योंकि फोर्स है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? What is the magnitude of this vector, resultant vector? This and this का resultant, resultant मतलब sum, sum of the two vectors कितना होगा? What is the magnitude of the resultant? Block के ऊपर दो force, 14 newton. सबको समझ में आ रहा है? मतलब net force को अगर मैं draw करना चाहूँगा, I have to draw an arrow mark whose length will be 14 meter or 14 newton. ठीक है? Because length represents magnitude of the vector. ठीक है? I change. I make a small change in the question. I apply a force of 8 newton and also I apply a force of 6 newton. क्या बता सकते हो? Net force कितना होगा? 2 newton. Obviously that 2 newton will be in this direction. हाँ, हमें vector जोड़ना तो आता है, फिर सीखना क्या है? लेकिन जितना हमें आता है उसी से पहले हम कुछ अंदाज लगाते हैं। पहला चीज तो ये है, जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं वो नेट फोर्स जो होगा, सम ऑफ द वेक्टर्स जो होगा वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में क्या एंगल है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो हम कहेंगे तो इट इज ए द सम इज 8+6। इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंगल कितना है यहां पर? थीटा इज 180 डिग्री। The angle between these two vectors is 180 degree. एक इधर को, एक इधर को। यहाँ पर दोनों के बीच में angle कितना है? Zero. When the angle is zero, resultant was 14 newton. Angle is 10, ये हो गया 180. Resultant is 2 newton. और हमारे साथ तो confusion ये है कि अगर ये एक vector ऐसे हो गया, एक vector ऐसे हो गया, अब ना angle दोनों के बीच में zero है, ना 90, ना 180 है, अब resultant force कितना है? इस केस में पता चल रहा था कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा, इस केस में पता चल रहा था कि बॉडी इधर ही जाएगा क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन इस केस में ना बॉडी ऐसे जाएगा ना ये ऐसे जाएगा, ये दोनों की इफेक्ट से ये कुछ इधर जाएगा। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम। ये वेक्टर का पहला रूल हुआ, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल डिफाइन व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, विल सी टू इट लेटर। तो पहला चीज हम आज देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कह रहा है? A vector can be added to a vector, not to a scalar. पहला चीज हम लोग देखें कि sum of two vectors depend on
depends on their magnitudes, and the angle between them, So sum of two vectors depends on their magnitudes and the angle between them. ठीक है, जब दो वेक्टर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में क्या एंगल है. सो नाउ विथ दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ वी कैन डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हिच ओबेज rules of vector addition, is defined as a vector quantity. ठीक है, जो भी physical quantity vector addition की rule को obey करेगा, मतलब sum of the two physical quantities must be depending upon their magnitude as well as the angle between them, तो हम उसको कहेंगे vector quantity. ये हुआ सही definition of vector. ये बोलना गलत है कि any physical quantity which has a magnitude and direction is a vector. No, I will give you cases where the physical quantity is having magnitude as well as direction, but it is not a vector because it does not obey the rules of vector addition. Let me give you an example here. Suppose I say here is a wire in which some current is flowing, or here is another wire, say here some I1 current is flowing, say it is 5 amperes, here some I2 current is flowing, say it is 3 amperes, and you know you have already completed class 12, class 10, so you find the net current here, is equal to 5 plus 3, that is 8 ampere. जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये चीज सबको समझ में आता है. अच्छा, तो क्या दिख रहा है, करंट का एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, अगर हम देखेंगे यहां पर जो आई नेट है वो I1 प्लस I2 है, और ये जो एंगल है, क्या ये 8 एम्पियर जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. ये दोनों वायर को पकड़ के मैं इसे दूर खींचूंगा, एंगल बढ़ जाएगा, तो क्या ये करंट बदलेगा, या फिर पास लाऊंगा थीटा को कम ज्यादा करूंगा तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बदलेगा, यस सर नो, बदलेगा क्या. अगर मैं दोनों वायर को ऐसे पकड़ के दूर ले लेता हूं, क्या ये करंट बदलेगा यार विश्वजीत, व्हाट यू फील, अगर ये नहीं ना नहीं बदलेगा ना, तो आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट करोगे तो मतलब पता चलेगा कि तुम लोग सुन रहे हो. तो अभी थीटा को बदलने से नेट करंट नहीं बदल रहा है, मतलब सम ऑफ टू करेंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम, सो करंट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन. करंट इज नॉट ए वेक्टर, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. आर यू गेटिंग, तो हम क्या कहेंगे, तो हम देखेंगे, लिखेंगे यहां पर हियर sum of two currents, does not depend on the angle between them, so current does not obey, rules of vector addition, and hence current is a scalar quantity, or current is not a vector. ठीक है, current is not a vector quantity.
क्या यहां तक मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस, है ना? यस सर। यस यस। नाउ पॉइंट नंबर फोर, हम देखे कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। तो पहले एंगल बिटवीन देम समझते हैं क्या है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? इज डिफाइंड एज द एंगल स्वीप्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। थोड़ा ध्यान से सोचना, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो वेक्टर के बीच में एंगल, बाद में डेफिनेशन देखेंगे, पहले देखते हैं कि हम अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा से, ये है एक वेक्टर ए, ये है कोई दूसरा वेक्टर बी, और मान लो कि ये एंगल दिया है 30 डिग्री। क्या बता सकते हो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सर इतना सिंपल तो चीज है, दिख रहा है ये 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री है, सिंपल। इतना सिंपल सा चीज को इतना टेढ़ा मेढ़ा डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन जरूरी है। आगे चल के देखोगे यही चीज में हर जगह आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। केयरफुली देखना, मैं एंगल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज द एंगल स्विफ्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। ये वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसा है, बी वेक्टर का हेड डायरेक्शन ऐसा है, इसका हेड डायरेक्शन से इसका हेड डायरेक्शन में जाओगे, जितना एंगल आपको जाना पड़ा दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हां सर, वो तो समझ में आता था, ठीक है। अगर समझ में आता था तो बताओ इस केस में, सपोज मैं कहूं कि यहां पे कोई एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये एंगल दिया है से 45 डिग्री। नाउ दिस इज वेक्टर ए, this is vector b and I am interested for the angle between the two vectors, go for the definition, mani man se mat karo gadbad ho jayega, head direction of a, ye head direction of a, head direction of b, ye head direction of b, angle between two vectors is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector to head direction of other, kitna ho gaya, ye bhi 45 degree hoga, to theta ho gaya 45 degree। Let's take one more example. Suppose I say here is a vector like this. ठीक है? Here is a vector like this. Call it A. Here is another vector. Say मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई दूसरा vector है. I call it B. And suppose this angle is given 60 degree. Now I want to know what is the angle between the two vectors. ध्यान से देखना. डेफिनेशन कहता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वीप्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। बी का हेड डायरेक्शन ये, ए का हेड डायरेक्शन ये, एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में जाओ कितना एंगल ज्यादा पड़ रहा है? अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 - 60 = 120। यस, तो इसका मतलब इस केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 120 डिग्री है। अगर आप 60 लिख दिए सब गड़बड़ा जाएगा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स नॉट ओनली देयर मैग्नीट्यूड आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन देम। वो माइनर क्लासेस थे जो हम डायरेक्टली ऐड कर देते थे। कोई अगर बोलेगा हियर ए ब्लॉक ऑफ 5 केजी वाज देयर and two forces are acting on it, one force is 10 newton, other force is 15 newton, what will be the acceleration of the block? So minor classes mein kya karte the, 10 plus 15 25 by 5 ho gaya 5 meter per second square. Ab kya likhenge? No, cannot be said, because you don't know what is the direction of force, how the forces are acting, hai ki nahi? Unless until you know the angle between the two forces you cannot find the net force. Anyway, ye to samajh mein aa gaya. हाँ, तो हम करने क्या जा रहे थे?
करने जा रहे थे, we wanted to find out sum of two vectors. To find the sum of two vectors, we shall make use of a law. But before we go for the law, I want to discover the law. कोई ना कोई तो law निकाला होगा. वो law कैसे निकला? थोड़ा दिमाग लगाते, आपको भी समझ में आ जाएगा. आप भी law को बना पाओगे. तो अब हम एक law समझना चाहते हैं. पहले हम समझते हैं कि suppose एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, वो गया A से, कहाँ पर? यहाँ पर आया. चलो कहते हैं कि S1 is its displacement, and you know displacement is a vector. The length of this arrow mark will give you the magnitude of the displacement, and arrowhead is giving you the direction of displacement. पहले वो A से गया, फिर क्या हुआ? वो यहाँ पर आने के बाद फिर से दूसरा displacement गया. Call this displacement to be S2. पहले गया S1 displacement, फिर गया S2 displacement. Total displacement कितना गया? S1 plus S2. What is the total displacement? वो शुरू किया था यहाँ से, पहुँच गया है यहाँ पर, तो total displacement is this, which is nothing but S1 plus S2. देखो कितना interesting है. This vector plus this vector is given by this vector. समझ में आ रहा है क्या? आपको S1 vector के साथ S2 vector को जोड़ना है. जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? पहले S1 को ले लो, S1 की हेड पे S2 का टेल को रख के S2 को ड्रा करो, फिर ये जो वेक्टर बन गया वो S1 plus S2 है. अभी अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिया जाएगा, आप आसानी से उनको जोड़ पाओगे, है कि नहीं? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वाला कहानी आपको समझ में आ रहा है? ये सर नो आ रहा है क्या? यस यस. तो इसी को नजर में रखते हुए हम लोग अभी लिखेंगे क्या, द लॉ ऑफ एडिशन. क्या है? पॉइंट नंबर 5, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन. ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ को सर आइजैक न्यूटन लिखे थे, वैसे ट्रायंगल लॉ को कोई साइंटिस्ट ट्रायंगल करके नहीं लिखे थे. दिस लॉ इन्वॉल्व्स ए ट्रायंगल, सो नेम इज ट्रायंगल लॉ. डोंट थिंक कि कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्रायंगल और वो लिखे थे, ऐसा नहीं. सो ट्रायंगल लॉ हम लिखना चाहते हैं. क्या कहता है पहला स्टेटमेंट? सम ऑफ इफ टू वेक्टर्स taken or drawn graphically so as to form two sides of a triangle. In order, then third side of triangle taken in reverse order graphically represents sum का दूसरा नाम है resultant, sum or resultant of the two vectors. थोड़ा समझना क्या बोलना है, लॉ को समझने की कोशिश करना. हमें दो वेक्टर जोड़ना है, ये वेक्टर है इसके साथ, ये कोई वेक्टर ए है, इसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं ये वेक्टर को, और जानना चाहते हैं कि दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो सम बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी एक वेक्टर बनेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, चलिए. तो लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर ड्रॉन ग्राफिकली सो एज टू फॉर्म टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर. स्टेटमेंट उतना आसानी से समझ में नहीं आया, लेकिन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. करना क्या है, पहले आप दो वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करो रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. सपोज ए इज ए वेक्टर, बी इज अनदर वेक्टर, बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का मतलब क्या है? इन ऑर्डर का मतलब हुआ देयर मस्ट बी ए कंटीन्यूअस फ्लो. जैसे आप कोई टॉर्च लाइट में बैटरी डालते हो,
ये एक बैटरी हुआ, ये एक बैटरी हुआ, ऐसे करके नंबर ऑफ बैटरी डालते हो। जब बैटरी डालते हो तो आप कैसे डालते हो, फूर दे मीन ऑर्डर, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे का नेगेटिव, ऐसे करके डालते हो। तो कीपिंग इन ऑर्डर मतलब ए का हेड के साथ बी का टेल करो और बी को ड्रॉ करो। हाँ, तो क्या दिख रहा है, अब ये दिख रहा है कि बी इज इन ऑर्डर विथ ए एंड दिस टू ऑल टुगेदर आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर। गो बैक टू द स्टेटमेंट अगेन, इफ टू वेक्टर्स आर ड्रॉन ग्राफिकली सो एज टू फॉर्म टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, देखो नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, ठीक है। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ध्यान से देखो, अगर थर्ड साइड को हम देखेंगे ए ऐसे हुआ बी ऐसे हुआ, जो थर्ड साइड है उसको भी अगर ऑर्डर में लेना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ये गया ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ऑर्डर में लेंगे तो ऐसे नीचे आएगा, लेकिन नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, मतलब उल्टा ऑर्डर में लेना है थर्ड साइड को ऐसे, ये हो गया थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, सम को अदरवाइज हम कहते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर को आर लिखते हैं। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमें यहां पे कुछ वर्किंग रूल्स याद रखना है, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी यूजेस ए ट्रायंगल, सो यू कॉल द लॉ एज ए ट्रायंगल, थोड़ा उसका कुछ स्टेप्स याद रखेंगे। स्टेप क्या है, कैसे निकालना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालने का स्टेप्स हुए कुछ ऐसे। बिट नंबर वन, बिट नंबर टू, बिट नंबर टू में वी आर सीइंग द स्टेप्स, क्या स्टेप्स है लिखने का। स्टेप नंबर पहला स्टेप हुआ, अगर आपको दो वेक्टर जोड़ना है, स्टेप नंबर वन ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। अब कौन फर्स्ट वेक्टर है, ए प्लस बी निकालना चाहते हो, किसी को भी आगे ले लो किसी को भी पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रॉ वन वेक्टर। स्टेप टू ड्रॉ सेकेंड वेक्टर इन ऑर्डर कीपिंग टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। स्टेप थ्री क्या कहता है, ड्रॉ रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा देखो और बताओ, फ्रॉम द टेल ऑफ ए, कहां खत्म हो रहा है, एट द हेड ऑफ बी, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए एंडिंग एट हेड ऑफ बी, ठीक है। ये तीन स्टेप में आप किसी भी दो वेक्टर को जोड़ सकते हो। थोड़ा और एक तो एग्जांपल ले लेंगे, मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या यहां तक मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया, तो जस्ट टू क्रॉस चेक हियर मैं एक एग्जांपल करना चाहता हूं। अब कोई बॉडी के ऊपर ऐसे दो फोर्स आ रहा था, ये है पहला फोर्स कॉल इट ए, कितना कॉल इट 8 न्यूटन, ये दूसरा फोर्स कॉल इट बी, कितना इट इज 6 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा आप जानते हो 14 न्यूटन, लेकिन मैं ट्रायंगल लॉ से देखना चाहता हूं। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ किए फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ हो गया यहां पे, ठीक है। ड्रॉ सेकंड वेक्टर इन ऑर्डर, ये हो गया ए, कितना 8 यूनिट्स लंबा, द लेंथ रिप्रेजेंट्स यू नो द लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ड्रॉ बी इन ऑर्डर मतलब बी का टेल को
ए का हेड पे रखेंगे, बी को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया बी, कितना 6 न्यूटन, ये ए था ये बी था, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था दोनों का सम, दोनों का सम मतलब रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है वो कहां से शुरू होता है, वो कहां से शुरू होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए, ए का टेल से यहां से, फिनिशिंग इट हेड ऑफ बी, यहां से यहां तक का वेक्टर, ये हो गया ए प्लस बी। कोई बता सकता है क्या ये जो ए प्लस बी वेक्टर आया उसका लेंथ कितना होगा, 14 न्यूटन, क्योंकि ये 8 है ये 6 है, लेंथ रिप्रेजेंट्स दी सम, सो इट इज 14 न्यूटन। तो हम क्या पता चला यहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 14 न्यूटन, जो हम जानते थे पहले। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में अगेन ऑन द सेम ब्लॉक आई अप्लाई द टू फोर्सेस, ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन आई कॉल इट ए, इट इज 8 न्यूटन, एंड ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन आई कॉल इट पी। नाउ इफ आई वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर्स हाउ आई विल ऐड, आई विल गो फॉर फर्स्ट वेक्टर ए, ठीक है, कितना ना 8 न्यूटन लंबा, क्या है वेक्टर ए। नाउ आई हैव टू ड्रॉ वेक्टर बी, वेक्टर बी मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रखना है, आई हैव टू ड्रॉ वेक्टर बी इन ऑर्डर, बी का टेल को ए का हेड पे रखेंगे और बी को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया वेक्टर बी, क्या लेंथ है इसका 6 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, कहां से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम, रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड इट विल फिनिश एट हेड ऑफ बी, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर फिनिशेस हियर, ये जो छोटा सा वेक्टर दिख रहा है वो है ए प्लस बी, अगर ये पूरा चीज 8 न्यूटन है ये 6 न्यूटन है तो ए प्लस बी क्या हो गया, ऑब्वियसली 2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। हाँ सर समझ में आ रहा, अब इतना जानकारी के साथ हम लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो चुका है, नॉलेज अपग्रेड हो चुका है। अब आप बोल सकते हो कि अगर हमारे पास ऐसा एक ब्लॉक है सेम दो फोर्स ए से आ रहे हैं 8 न्यूटन ए एंड 6 न्यूटन बी, अब ट्रायंगल लॉ पे हमको भरोसा आ चुका है, जो हमें मालूम था वो सही दिख रहा है और हमें नेट फोर्स निकालना है, तो पहले हमें करना पड़ेगा ए नहीं, उसके साथ ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे बी, मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रखेंगे, ये हो गया बी, कितना लंबा 6 न्यूटन, जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा, बोलो 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 नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से, क्योंकि टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हमें दिख गया कि ये हो गया है हमारा रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका नाम क्या रहेगा, अगर ये है वेक्टर ए ये है वेक्टर बी तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द एरोमा। व्हाट इज दिस लेंथ, यू विल से आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरोमा, बट दैट कैन बी फाउंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, this length is 8, this length is 6, so this length will be 8 square plus 6 square whole root over, देखो कितना interesting है, हमें मिल गया कि जो r है, वो r का magnitude क्या होगा, it is 8 square, 6 square, whole root over, it is 64 plus 36, 100, root over is 10, देखा, अब हमें पहले इन दोनों वेक्टर को जोड़ना आता था, इसको जोड़ना नहीं आता था, अभी जोड़ना भी आ गया यूजिंग ट्रायंगल लॉ। सो बेसिक्स क्या कहता है, बेसिक्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ सेज ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर इन ऑर्डर, मतलब कीपिंग द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। स्टेप 3 कहता है ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए एंडिंग एट हेड ऑफ बी, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी में ड्रॉ करो, अब देखो मिल गया, मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपको दिया जाएगा और आपको स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर ग्राफ पेपर दिया जाएगा तो दो वेक्टर को जोड़ना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लो, दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में ले लो, फिर स्केल लगा के ए का टेल से बी का हेड तक खींच लो,
जो लंबा मिलेगा, जो लेंथ मिलेगा, दैट विल कॉल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये ब्लॉक विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर ये अकेला होता इधर जाता, ये अकेला होता इधर जाता, दोनों है, इट विल गो इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, दैट डायरेक्शन इज इंडिकेटेड हियर, द ब्लॉक विल गो इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। सो दिस गिव्स यू द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या ट्रायंगल लॉ आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यस सर, नो? यस सर। यस सर, बढ़िया। ट्रायंगल लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। जैसे जब आप टू स्टेबल याद कर रहे थे, टू टू जर फोर, टू थ्री जर सिक्स, ऐसे करके नाइन स्टेबल तक कर रहे थे, नाइन टू जर एटीन, ऐसे करके कर रहे थे। सोचो बस इतना ही नॉलेज अगर आपकी दिमाग से निकाल दिया जाएगा, क्या टू का टेबल से शुरू करके नाइन का टेबल तक, टू का टेबल से शुरू करके नाइन का टेबल तक का जो डाटा है आपके दिमाग में, वो छोटा सा हिस्सा, वो आपका पूरा नॉलेज का कितना छोटा सा पोर्शन है, कितना छोटा सा पोर्शन है। आप कितना सारा चीज जानते हो उसमें से टू का टेबल, थ्री का टेबल, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का टेबल, इतना आइडिया को निकाल लिया जाएगा। सपोज आई वाइप आउट, वहां पर पहुंचा जहां पर वो डाटा रखा है, उसको मिटा दिया। सोचो तो अब क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट गो फॉर ऑर्डिनरी एडिशन, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? फाइव का टेबल नहीं आता है। इफ यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, यू कैन नॉट डिवाइड। वांट यू डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड। बाकी का मैथमेटिक्स तो ताश की पत्ते की तरह कोलैप्स करेगा। ऐसा ही है ये ट्रायंगल का। अगर इसको ढंग से नहीं समझे तो पूरा मैकेनिक्स एक दिन आपके सर के ऊपर गिरेगा, गुड़ुम। आपको समझ में नहीं आएगा अरे क्या हो गया, पता चला हम फंसे कहां पे, वो छोटा सा चीज। काफी लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30, साइन 60, साइन 120, साइन 150 ये सब का वैल्यूज याद नहीं रखते, उनका तो ऐसा कोलैप्स होता है, इतना धोखा खाते हैं वो लोग। उसको रट्टा मार के याद रखना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन 30। यू हैव टू फाइंड आउट मेथड्स टू रिमेंबर, बट हाउ टू गेट साइन 30 इज 1/2, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। आपको पूरा ग्राफिकली ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, है ना? तो कुछ बेसिक चीजों को तो हमें मानना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे हम बहुत जोर से लात खाने वाले हैं दुनिया में। तो पहला चीज तो हुआ ट्रायंगल लॉ में हम लोग दो स्टेप देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है हमें ट्रायंगल लॉ से, थोड़ा उसको भी लिस्ट आउट करेंगे। Let us, we want to list out what we have understood from triangle. Bit number 3 के बात कर रहे हैं। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का, उनके बीच में एंगल कितना है दिया नहीं है, लेकिन आप गेस करके बता सकते हो क्या? What can be the maximum force on the body? एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक 8 न्यूटन, एक 6 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है बॉडी के ऊपर? 14। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी कब होगा? व्हेन द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं? और मिनिमम फोर्स क्या आ सकता है अगर बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है, तो मिनिमम फोर्स क्या आ सकता है? 2 न्यूटन। ऑब्वियसली 2 न्यूटन, 2 से कम तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई बॉडी के ऊपर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स आ रहा है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कुछ भी हो सकता है 2 से 14 के बीच में, 2 से 14 के बीच में, ये याद रखना जरूरी है। फॉर डिफरेंट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट विल नेवर गो बियॉन्ड 14, विल नेवर गो बिलो 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्लू हमारे सामने आ गया। तो हम क्या देखें, हम क्या देखें, If R is equal to A plus B, R मतलब the resultant is A plus B, then R is magnitude of R is maximum. ये resultant maximum कब होगा? When the vectors are in same direction. When angle between A and B is zero. समझ में आ रहा है क्या? मतलब दोनों सेम डिरेक्शन में है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम
nothing but sum of magnitude of A and magnitude of B. Magnitude of A मतलब 8 and 6. देखो आप जो बोल रहे थे वही लिखा है, आप जो बोल रहे थे वही लिखा है, थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करके लिखे. क्या आप लोग इस बात पे सहमत है हमारे साथ? ये स्टेटमेंट समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया? यस सर. यस सर. अच्छा बताओ देन एम 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 यहां पर देन को छोड़. आर इज मिनिमम. आर मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? व्हेन एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड डी इज, कोई बताया? 180 डिग्री इज एब्सोल्युटली क्लियर. 180 डिग्री. एंड कैन यू हेल्प मी फर्दर टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? इट बी 1 माइनस अदर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. समझ में आ रहा है क्या? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये चीज हमें समझ में आया. अब हम क्या देखें? कंक्लूजन ये मिला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इट कैन बी लेस देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. ये कभी भी इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो नहीं सकता. नहीं, ये हो नहीं सकता. समझ में आ गया क्या? ये हो गई चीज हमारा. तो ट्रायंगल लॉ से हमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीज सामने आ गए. ये सामने चीज जो आया उसको लेके कुछ फंडामेंटल चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि हमें समझ में आ गया है कि नहीं आया है. ठीक है? To check yourself, let us go for some numericals. Now, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप तैयार रखिए. At the end, we shall verify कितना आंसर आपका सही हुआ. Question number 2. In figure shown, यहाँ पर कोई figure दिया गया है. ये vector x है, ये vector y है, ये vector z है. तो हम क्या कहेंगे? इन फिगर शोन x इज इक्वल टू y प्लस z. आंसर बताना है आपको. बी y इज इक्वल टू x प्लस z. सी z इज इक्वल टू x प्लस y. डी नन. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. For what angle between two vectors? For what angle between two vectors the sum magnitude of the two vectors? Magnitude of sum of the two vectors is equal to sum of their magnitudes. ऐसा करके दिया है. ठीक है? आंसर दिया है ऑप्शन में 90, बी में 60 डिग्री, सी में 0 डिग्री, डी में 180 डिग्री. ऐसा करके ऑप्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सोचते रहो, करते रहो, जाते रहो. क्वेश्चन नंबर 4. एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 50 डिग्री. एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 50 डिग्री.
इफ ए प्लस बी मेक्स एंगल थर्टी डिग्री विथ ए देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड बी इट इज 80 डिग्री बिट बी 45 डिग्री बिट सी 60 डिग्री बिट डी 20 डिग्री ऐसा करके दिया है, चार ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन पुल ए बॉडी ऑफ 10 केजी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस व्हाट विल बी बॉडी की जगह ब्लॉक लिखते हैं ए ब्लॉक व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑप्शन दिया हुआ है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी इज नल। सोचना है और बताना है, डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया। गब्बर्स लॉ सबको याद रखना पड़ेगा, कॉपी के ऊपर गब्बर्स लॉ लिखो, क्या है? जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। हम कर सकेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? जब हम एक साथ सबको ही पढ़े तो सबके पास बराबर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। नाउ यू अप्लाई योर प्रोसेसर टू फाइंड आउट द कंक्लूडिंग रिजल्ट्स। तो ये यहाँ पे आप लोगों का आंसर नोट किया गया है। अभी मैं निकालना चाहता हूं कि आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन में ए ऐसा है, ए प्लस बी ऐसा है, पूछा है बी कैसा है बताओ। ए के साथ बी को जोड़ो, ऐसे हो जाता है। बी कहां स्टार्ट होता है? बी स्टार्ट होता है फ्रॉम दी हेड ऑफ ए, ये हो गया ए, छोटा सा करके कर रहा हूं, यहां से बी स्टार्ट होगा। और ए प्लस बी कहां स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए, कहां खत्म होता है? हेड ऑफ बी, मतलब बी का हेड यहां रहेगा और टेल यहां रहेगा, ये होगा बी। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। माइक्रोफोन ऑफ करके कुछ लोग थप्पड़ खा लो, करेक्ट आंसर इज सी, ऐसा होगा, ठीक है। तीन लोगों का सही हुआ। नंबर टू, पूछा है इस फिगर एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या है, देखो तो कौन कौन ऑर्डर में है, जेड इज इन एक्स एंड जेड एंड एक्स आर इन ऑर्डर, क्या वाई रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सबका सही है। ये कौन है पंडा बाबू, थोड़ा आपको मालिश की जरूरत है, गर्मा गर्म मालिश के नहीं, ठीक है, देखो सबका बी लगा है। नंबर थ्री, व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये जो चीज है इसको थोड़ा आप लिखो तो ढंग से, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, मतलब ये दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा कब होता है? कब होता है? व्हेन द एंगल इज हाउ मच? जीरो। अभी तो देखे इसी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, कब होता है? इन केस ऑफ सी, तो मिल गया सी। ये एक गड़बड़ है, एक लड़का का गड़बड़ है, बालकिशन को क्या हो गया, क्या हो गया?
एक्शन माजी दोनों गलत कर दिए। नाउ फोर का काट दिए। हाँ सॉरी फोर का काट दिए। अच्छा ये बात है, इसीलिए मैं सोचा कि बालकिशन कैसे गलत कर दिया। बालकिशन का तो सही है, सी है, सी है। अच्छा डी क्या है देखेंगे। हाँ नंबर फोर दिया है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी 50 डिग्री, ए प्लस बी मेक्स 30 डिग्री विथ ए। थोड़ा ध्यान से देखो, ए प्लस बी मेक्स 30 डिग्री विथ ए, ए प्लस बी मेक्स 30 डिग्री विथ ए। अगर ये बात है, मैं थोड़ा ड्रॉ करके देखना चाहूंगा, मैं पहले ड्रॉ करके देखना चाहूंगा। ए और बी के बीच में एंगल 50 डिग्री है, ए और बी को मैं ऑर्डर में ले रहा हूं, बताओ कौन सा फिगर सही है। ए ये बी, ये फिगर सही है कि ये बी, ये फिगर सही है। दिया है कि ए और बी के बीच में एंगल 50 डिग्री है, कौन सा फिगर सही है, फिगर नंबर वन और फिगर नंबर टू। सर वन वन वही तो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल स्वीप व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। दिस एंगल इज लुकिंग लाइक 50 डिग्री। यहां पर ये एंगल आपको 50 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं, क्या कर दिया गड़बड़, अब इस एंगल को 50 डिग्री सोच लिए, है कि नहीं? देखा मैं एंगल को क्यों डिफाइन कर रहा था, एंगल को इसलिए डिफाइन कर रहा था कि यही गड़बड़ कर लोगे आप। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 50 डिग्री, तो अगर उनको ऑर्डर में लेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे नहीं, ये एंगल 50 नहीं है, ये एंगल 50 है। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा कैसे होगा, हम नंबर 4 की बात करें, रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा। और दिया है कि जो रिजल्टेंट फैक्टर है ए प्लस बी, वो ए के साथ 30 डिग्री कर रहा है, और ये बी के साथ क्या एंगल करेगा, सपोज थीटा एंगल करेगा, बी के साथ आर का एंगल, आर का हेड डायरेक्शन, बी का हेड डायरेक्शन, एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे का हेड डायरेक्शन में जाना है, जो एंगल करेगा दैट इज एंगल बिटवीन आर एंड बी। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, मतलब 50 इक्वल टू 30 प्लस थीटा, सो थीटा कितना है 20 डिग्री। क्या चीज समझ में आया, बालकिशन का एकदम सही हुआ है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, बाकी लोग सब मार खा गए यहाँ पे, बालकिशन का तो सही चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन रह गया बालकिशन, ये भी सही लग जाएगा तो हीरो बन जाएगा। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन पुल ए ब्लॉक ऑफ 10 केजी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, दो फोर्सेस कोई 10 केजी के ब्लॉक को वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दे आर पुलिंग इट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मतलब अगर हम कहेंगे ए इज वन फोर्स तो ए का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, बी इज अदर फोर्स बी का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, थीटा द एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है 90 डिग्री। तो ड्रॉ करते हैं, सपोज हम कहेंगे कि ये है ए, ठीक है, और ठीक है ये है ए, ऐसे कर लेते हैं ए, और बी कैसा है, बी ऐसा है, क्योंकि दे आर इन पुलिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये ऐसा हुआ 5, ये ऐसा हुआ 12, हमें रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे ए, फिर उसके साथ ऑर्डर में लेंगे बी, और हमें पता करना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर ये 12 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हाउ मच इट इज 13। सो नेट फोर्स हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, नेट फोर्स इज 13 न्यूटन, नेट फोर्स इज 13 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन कितना होगा 13/10 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। वाओ बालकिशन का सारा आंसर सही हो गया, और किसका, ऋषिता पात्रो का एक आंसर गलत हुआ, 4 आंसर सही हो गया, और 3 आंसर वाले बहुत रह गए। समझ में आया क्या, क्या और कोई है जिसका सारा आंसर सही हो गया? कौन? आयुष्मान पति, सारा आंसर सही हो गया, श्रुति शिखा का भी सारा आंसर सही हो गया, सो गुड। वाओ इसका मतलब तुम लोग अच्छा हो, ये नहीं है, इसका मतलब है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं
इसका मतलब है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अरे नहीं 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 मैं अच्छा पढ़ाता हूँ से कुछ नहीं होता है, तुम लोग ही अच्छे हो, इसीलिए तो बन रहा है सारा चीज। जो चीज को मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आया, इसलिए तो सारा चीज बन रहा है। ठीक है, लगे रहो तो चीज बनेगी। अभी से सीरियस बनना शुरू करो, जो जो पढ़ाया जा रहा है प्रॉपरली नोट्स बनाओ, यू विल बी गिवन सफिशिएंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग टू प्रैक्टिस, डोंट वरी, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी गिवन एवरीथिंग। अब करते जाओ, फिर यू विल बी प्रिस्क्राइब्ड ए बुक, जिस बुक को आप लोग खरीदोगे फिर तो काम चलते जाएगा। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव बुक लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं कोई एक चैप्टर खत्म कर दिया तो उस चैप्टर का न्यूमेरिकल को उस बुक से करो, फिर उसके बाद देखो कि कोई भी न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो, क्योंकि बुक में कोई चैप्टर को डेवलप करने का सीक्वेंस थोड़ा अलग रहता है, मेरा सीक्वेंस अलग रहता है। तो मैं जब डिक्लेयर करता हूँ कि फलाना चैप्टर खत्म, तो आप उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन पहले करोगे हो सकता है आगे पीछे करके वो सीक्वेंस में टॉपिक्स को दे दिया होगा, हो सकता है कि आप फंस जाओगे। जैसे मैं बोलूंगा चैप्टर खत्म हो गया, अब उस चैप्टर का क्वेश्चन को किसी भी बुक से आप कर सकते हो। यू नेवर फाइंड एनी एक्स्ट्रा थ्योरी बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी टॉट हियर। ठीक है, वो मेरा दावा है। मेहनत करो, फल मिलेगा। आगे आगे, वी शैल हैव आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूजडे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूजडे फिजिक्स क्लास। बीच में केमिस्ट्री मेथोडिस क्लासेस तो हो रहे हैं, तो हम लोग फिर फिजिक्स क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।